मैजिकल सूटकेस। अपने लालच से विमला किस तरह की मुश्किलें झेलती है, इससे पहले की कहानी में हमने देखा। विमला घर पर बैठकर टीवी देख रही थी, तभी उसको अपने पड़ोसी के घर में बन रहे स्वादिष्ट पकवान की खुशबू आती है। उस सब्जी की मजेदार खुशबू से, अरे वाह क्या खुशबू है, अगर खुशबू ही इतनी अच्छी है तो सब्जी कितनी स्वादिष्ट बनी होगी, जाकर देखती हूँ। ऐसा सोचकर उस खुशबू को सूंघते सूंघते पड़ोस की दीवार तक पहुँच गई, आकर बोली, अरे दीदी घर पर हो, काम हो गया? उसने अपने पड़ोसी वनजा को आवाज लगाई। विमला की पुकार सुन वनजा बोली, आ गई कुत्ते की तरह खुशबू सूंघते हुए, मैं जो भी पकाऊं तुझे इससे क्या रे, जब देखो इसका सारा ध्यान यहीं लगा रहता है। ऐसा सोचते हुए वो अपने घर से बाहर आई। हाँ कहाँ विमला, सारा काम वही का वही है। कौन सी सब्जी बना रही हो दीदी, खुशबू तो बढ़िया आ रही है। अरे विमला वो खुशबू सब्जी की नहीं, चूहा मर गया था तो बाहर फेंक दिया था, उसी की बू है। छी क्या वो चूहे की बू थी? हाँ विमला ठीक है, चूल्हे पे चावल चढ़ाया है, चलती हूँ। ऐसा कहकर वो अंदर चली गई। उसके जाते ही विमला घर के अंदर आते आते सोचती है, छी 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 छी, बदबू को सब्जी की खुशबू समझ बैठी, लेकिन मरे हुए चूहे की बदबू थी। ऐसा सोचकर वो अपने घर के अंदर पहुँची कि प्रकाश घर आ गया। कल मुझे कैंप पे जाना है, 10 दिन तक नहीं आऊँगा, जरूरत का सामान खरीद लाता हूँ, ठीक से रहना, कोई गड़बड़ घोटाला मत करना। ऐसा कहकर वो बाहर चला गया। उनके जाते ही, अरे वाह बड़े आए बोलने वाले, मैं कौन से गड़बड़ कर देती हूँ, हमेशा मुझ में कोई ना कोई गलतियाँ ढूंढते ही रहते हैं ये आदमी। ऐसा सोचते हुए वो अंदर चली गई। टीवी ऑन करके बैठने ही वाली थी कि बाहर से, पुराने सूटकेस के बदले नए सूटकेस ले लो, आपके पुराने सूटकेस हमें देकर 100 रुपए में नया सूटकेस हमसे ले लो, पुराने सूटकेस का नया सूटकेस ले लो, जल्दी जल्दी आइए, गाड़ी यहाँ ज्यादा देर नहीं रुकेगी। उसे आवाज सुनाई। पुराने सूटकेस के नए सूटकेस की बात सुनते ही, क्या पुराने का नया मिलेगा, ये तो बहुत बढ़िया है, मुझे हमेशा डांटता है कि सब गड़बड़ करती हूँ, अब अगर ये पुराना सूटकेस को देकर नया ले लूँ तो मुझे बहुत शाबाशी देंगे। ऐसा सोचते हुए वो अंदर जाकर एक पुराना सूटकेस देकर नया सूटकेस लेकर घर वापस आ जाती है। नए सूटकेस को देखते हुए बोलती है, अब इस नए सूटकेस को देखकर मेरी तारीफ करेंगे कि मैंने कितना अच्छा काम किया है। वो खुश हो रही थी कि इतने में प्रकाश बाहर से घर वापस आ गया। प्रकाश को देखते ही विमला बोली, सुनिए जी देखिए मैं आपके लिए क्या लेकर आई हूँ। क्या लेकर आई है? आपके लिए नया सूटकेस लाई हूँ, ये देखो। कहकर उस सूटकेस को प्रकाश के सामने रख देती है। उसे देखकर प्रकाश बोला, ये तो बहुत बढ़िया है, अच्छा काम किया तूने। ठीक है, अंदर पुराने सूटकेस में मैंने कपड़े वगैरह सब रखे हुए हैं, उन्हें लाकर अच्छे से इस्त्री करके नए सूटकेस में रख देना, उसने कहा। वो बात सुनकर विमला दंग रह गई, डर के मारे बिना हिले वहीं खड़ी रह गई। उससे देखकर, क्या हुआ, इस तरह पत्थर की तरह क्यों खड़ी हो गई? वो उस सूटकेस को देकर ही इस नए सूटकेस को खरीदा था। अच्छा कपड़े तो होंगे ना, उन कपड़ों को इस्त्री करके इसमें रख देना। मैंने उसके अंदर कोई कपड़े नहीं देखे, बस ऐसे ही दे दिया, उसने कहा। ये बात सुनते ही प्रकाश को बहुत गुस्सा आ गया। तुझे जरा भी अकल है या नहीं, सूटकेस में कुछ है या नहीं ये देखे बिना ही कैसे दे दिया, अगर उसमें 1 करोड़ रुपए होते तो क्या होता, जाओ यहाँ से। तुम क्या करोगी कैसे करोगी मैं नहीं जानता, मुझे मेरे कपड़े चाहिए बस, कल सुबह ही कैंप पे जाना है, सारे नए कपड़े उसमें ही रखे थे मैंने, लेकर आओ जल्दी, उसने विमला को गुस्से से कहा। विमला तुरंत बाहर आकर गली गली ढूंढती है, लेकिन वो सूटकेस वाला कहीं नहीं मिलता। तब वो रोते हुए अपने सास के घर पहुँचती है। विमला को रोते हुए देखकर सास बोली, फिर तूने क्या कर दिया, रो क्यों रही है,
वो सासू माँ। रोते हुए उसने सारी बात सास को बता दी। सारी बात सुनकर सास बोली, हर दिन कोई ना कोई गड़बड़ किए बिना नहीं जाता तेरा। मैं अच्छा करने की ही सोचती हूँ सासू माँ, वही गड़बड़ हो जाती है। अब मुझे डर है कि आपका बेटा मुझे क्या करेगा। वो रोते हुए बोली, बस रोना बंद कर, मेरे पास एक मैजिकल सूटकेस है, तू उसे ले जा। क्या मैजिकल सूटकेस? मतलब वो क्या करती है सासू माँ, नए कपड़े देती है क्या? वो कपड़े नहीं देती। तो फिर क्या करती है सासू माँ? पूरी बात सुन, तू उसमें 100 का नोट रखकर ताला डाल देगी और वापस खोलेगी तो वो सूटकेस 100 के नोटों से भरा होगा, उसने कहा। ये बात सुनते ही विमला की आंखें चमक उठी। वो खुश होकर बोली, क्या कहा सासू माँ, ये सच है? हाँ सच में, पहले उसे ले जाकर अपने पति के नए कपड़े ले ले। ठीक है सासू माँ, उस सूटकेस को दीजिए। ले जा, लेकिन पहले ही कह देती हूँ, लालच मत करना, जितनी ज़रूरत हो उतने कपड़े ही लेना, ज़्यादा नहीं निकालना। ऐसा कहकर वो सूटकेस देती है। विमला उस सूटकेस को लेकर घर पहुँचती है। विमला के आते ही प्रकाश, मेरा सूटकेस ले आई? सूटकेस नहीं, आपके लिए नए कपड़े लाई हूँ, इन्हें ले जाकर कैंप पे चले जाइए। ऐसा कहकर उसने कपड़े दे दिए। उन कपड़ों को लेकर प्रकाश सुबह कैंप के लिए निकल गया। उसके जाते ही, चलो एक काम तो हो गया, वरना डंडा लेकर मेरी बहुत धुलाई करता। मेरी सास थोड़ी भोली है, लेकिन मेरा भला ही करती है। मैजिकल सूटकेस, 100 का नोट रख दो तो पूरा सूटकेस नोटों से भर जाता है। हाँ हाँ, अब रुकने का सवाल ही नहीं पैदा होता, पैसों की गड्डियों से पूरा घर भर दूंगी। ऐसा सोचकर 100 का नोट लेकर उस सूटकेस बंद कर देती है। खोलते ही उस सूटकेस में भर कर 100 के नोट थे। उन सब को लेकर वो अलमारी में रख लेती है। उसके बाद एक और 100 का नोट लेकर वो सूटकेस में बंद करके खोलती है। फिर से सूटकेस पैसों से भरा होता है, उन्हें भी लेकर छुपा लेती है। इस तरह हर रोज करने लगती है, अलमारी पैसों से भर जाता है। हर दिन बस ये 100 के नोट ही क्यों, आज इसमें 500 के नोट डालती हूँ, तब 5 गुना ज्यादा पैसे आ जाएंगे। ऐसा सोचते हुए 500 का नोट सूटकेस में डालकर थोड़ी देर बंद करके खोलती है। अब वो सूटकेस 500 के नोटों से भरा हुआ था। उसके बाद 2000 के नोट डालती है। सूटकेस में पूरे 2000 के नोट भरे थे। मन चाहे पैसे उस सूटकेस से निकाल लेने के बाद, हाँ, मेरे पति के आने से पहले एक नई कार लेकर आंगन में रखूंगी, उसे देखकर वो दंग रह जाएंगे। ऐसा सोचकर उन पैसों से एक कार खरीदकर घर के सामने रख देती है। उसके बाद खूब सारे जेवर बनवाती है। पूरा गांव विमला के कार और जेवर देखकर आश्चर्यचकित हो रहे थे। एक दिन विमला के घर पे 4 आदमी आए। उन्हें देखकर, ओए कौन हो तुम लोग, मेरी इजाजत के बिना अंदर कैसे आ गए? We are from income tax, उसने कहा। इनकम टैक्स सुनते ही विमला हक्की बक्की रह गई। उन्होंने सारा घर छान मारा और सारे पैसे इकट्ठे कर लिए। इतने सारे पैसे देखकर वो भी दंग रह गए। इतने सारे पैसे आपके पास आए कहां से, उसने पूछा। विमला चुप रही। बताइए, कुछ दिनों पहले जो बैंक में चोरी हुई थी, क्या आपने ही किया था? कितने लोग हैं आपके गैंग में, उसने कहा। ये बात सुनकर विमला दंग रह गई। इनकम टैक्स वाले जब विमला को अरेस्ट करने ही वाले थे तो उसकी सास वहां पहुंच गई। रुक जाओ, मैं आपको बताऊंगी कि वो पैसे कहां से आए, और उसने सारी बात बता दी। सारी बात सुनकर विजय बोला, मैं आपकी बहू को छोड़ दूंगा, लेकिन वो सूटकेस और ये सारे पैसे ले जाऊंगा। ऐसे सूटकेस को सरकार के पास होना चाहिए, आप लोगों के पास नहीं। ऐसा कहकर वो सूटकेस, कार, जेवर सब कुछ लेकर चला गया। इतने बार बताना पड़ेगा तुझे, कब सुधरेगी? छी छी,
कैसी औरत है तू। ऐसा बोलते हुए सास चली गई। सास के जाते ही विमला ने चैन की सांस ली। बाप रे, पैसों और सूटकेस गए तो गए, लेकिन जेल जाने से तो बच गई ना। ऐसा सोचते हुए वो खुश हो रही थी। दादा टीवी। इस तरह के कई और मनोरंजक और ज्ञानवर्धक कहानियों के लिए बने रहिए हमारे साथ।